किसी ने क्या खूब कहा है, परिश्रम से प्राप्त धन ही दान योग्य होता है, उसी धन से लाभ मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि दान कैसे करें कि उसका लाभ हमें मिले। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मंगलमय पवित्र दान। एक सेठ ने अन्न सत्र खोल रखा था। उनमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, यह भावना मुख्य थी। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। थोक का व्यापार था उनका। वर्ष के अंत में अन्न के कोठारों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था, वह दान के लिए भेज दिया जाता था। प्रायः सड़ी ज्वार की रोटी ही सेठ के अन्न सत्र में भूखों को प्राप्त होती थी। सेठ के पुत्र का विवाह हुआ, पुत्रवधु घर आई। वह बड़ी सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील की थी। उसे जब पता चला कि उसके ससुर द्वारा खोले गए अन्न सत्र में सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है, तो वह उससे बड़ा दुख हुआ। उसने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने अन्न सत्र से सड़ी ज्वार का आटा मंगवाकर एक रोटी बनाई और सेठ जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ वह रोटी भी परोस दी। काली मोटी रोटी देखकर कौतूहल बस सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुख में डाला। ग्रास मुंह में जाते ही वे थूथू करने लगे और थूकते हुए बोले, बेटी, धन में घर में आटा तो बहुत है, यह तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा कहां से मंगवाया? पुत्रवधु बोली, पिताजी, यह आटा परलोक से मंगाया है। ससुर बोले, बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया, वही कमाई अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न सत्र में इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है, पर लोक में केवल इसी आटे की रोटी पर रहना है। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इसे खाने का अभ्यास हो जाए तो वहां कष्ट कम होगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुत्रवधु से क्षमा मांगी और अन्न सत्र का सड़ा आटा उसी दिन फेंकवा दिया। तब से अन्न सत्र से गरीबों भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। आप दान तो करो, लेकिन दान ऐसा हो कि जिससे दूसरे का मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हो, उतना दान लेने वाले का भला होता ही है, साथ में आपका भी यह लोक और परलोक सुधर जाता है। दोस्तों, दान करते समय यह भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, वाह वाही करें। दान इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले। दोस्तों, दान ऐसा भी होना चाहिए कि जो हम दे रहे हैं वो सामने वाला उसका यूज कर सके, उपयोग कर सके, उसे याद करे कि हाँ, जो चीज मिली है वो अच्छी मिली है। दान हमें ऐसा करना चाहिए कि जो हम उपयोग करते हैं वही हम उसको दान में दें, कि तभी उसको अच्छा लगेगा, तभी उसको जन्म जन्मांतर वो हमें याद रखेगा। बिना कहे ही हमारी प्रशंसा होने लगेगी अगर हम दान की इस महिमा को जान जाए। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।